नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आंचल पंत और आज आप लोगों को मैं तिल के बारे में बताने वाली हूँ। तिल किस कारण से निकलते हैं, वो क्या क्या टाइप के होते हैं, तिल की डेंजर साइंस क्या है, मतलब उसमें अगर क्या चेंजेस आए तो आपको सावधान रहनी चाहिए, और इसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी क्या घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने से ये तिल हट सकते हैं कि नहीं। मैं स्किन और हेयर ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे विषय में वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन क्लिक ऑन दी आई कार्ड अबव। तो तिल, जिसको हम मेडिकली बोलते हैं मेलानोसाइटिक नीवस, ये काफ़ी कॉमन रहता है और बहुत सारे लोगों को होता है चेहरे में और शरीर के किसी भी भाग में। तो ये क्यों होते हैं? पहले तो होता है यूवी एक्सपोजर, मतलब अगर आप ज़्यादा धूप में घूमते हो या ऐसे काम करते हो जिसमें आपको ज़्यादा धूप में रहना पड़ता है, तो वैसे लोगों में ये तिल ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा होता है स्किन का कलर, ये से तिल डार्क स्किन कलर में ज़्यादा देखने को मिलता है लाइट स्किन कलर के तुलना में। तीसरा होता है जीनेटिक, मतलब कि आपके अगर परिवार में बाकी लोगों के भी काफ़ी सारे तिल हैं चेहरे में और बाकी जगह पे, तो फिर आपके भी होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। चौथा होता है कुछ अंडरलाइंग कंडीशन, अगर आपको कुछ ब्लिस्टरिंग स्किन डिजीज़ है, या आप कुछ कीमोथेरेपी की दवाई ले रहे हो, या आप कुछ इम्यूनो सप्रेसिव दवाई ले रहे हो, मतलब कि ऐसी दवाइयाँ जो आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा कम कर देती है, तो ऐसे टाइम में भी शरीर में बहुत सारे तिल देखने को मिल सकते हैं। तो ये तिल क्यों होता है? हमारे स्किन में कुछ सेल्स की असंतुलन की वजह से ये तिल बनते हैं। तो जो स्टेम सेल्स होता है वो मेलानोसाइट्स बनाने की जगह, मेलानोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे स्किन में कलर बनाता है मेलेनिन, तो ये मेलानोसाइट्स बनने की जगह वो स्टेम सेल्स नीवो मेलानोसाइट्स बनाते हैं, मतलब कि वो सेल्स बनाते हैं जो तिल बन जाते हैं। तो इस डिसबैलेंस की वजह से तिल बनते हैं। तो ये तिल सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलता है? ये ज़्यादातर बचपन में और टीनेज ईयर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, और नए तिल आपके 20-30 साल की उम्र तक भी निकल सकते हैं। तो ये तिल कैसे दिखते हैं? तिल मेनली तीन प्रकार का होता है। एक होता है जंक्शनल नीवस, मतलब कि जो स्किन में ऊपर और नीचे का भाग होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस, ये दो भाग के बीच में अगर ये तिल के सेल्स हैं तो उसको बोलते हैं हम जंक्शनल नीवस। दूसरा होता है इंट्राडर्मल नीवस, मतलब कि जो सेल्स जो तिल बनाता है वो डर्मिस के भाग में है, नीचे के भाग में। और तीसरा होता है कंपाउंड नीवस, मतलब कि ये जंक्शन के एरिया में भी है और डर्मिस के एरिया में भी है। तो तिल कैसे दिखते हैं, ये किस प्रकार का तिल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो जंक्शनल नीवस है तो ये यूजुअली थोड़ा सा गाढ़ा रंग का होता है और एकदम फ्लैट होता है, मतलब अगर आप अपनी उंगली उसके ऊपर फेरोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ तिल है। और दूसरा होता है इंट्राडर्मल नीवस, तो जो इंट्राडर्मल नीवस होता है वो स्किन के कलर का रहता है और वो उभरा हुआ रहता है, सो ऊपर से स्किन के कलर का ही दिखता है, और ये और छूने में ये थोड़ा सा आपको पता चल जाता है कि हाँ कुछ है इसके अंदर। और जो कंपाउंड नीवस होता है उसमें थोड़ा सा काला रंग भी होता है स्किन में और उभरा हुआ भी होता है, तो ऐसा अगर आपका तिल है तो वो कंपाउंड नीवस कहला जाता है। तो ये तिल कभी कभी कैंसर भी हो सकता है, और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं डर के कि उनके बड़े हाथ सा तिल है तो अभी के अभी निकाल दें ताकि वो कैंसर ना बने। तो जो तिल होता है और उसका कैंसर को बोलते हैं हम मेलानोमा। तो ये हमारे स्किन टाइप में जो इंडियन और एशियन स्किन टाइप है उसमें ये होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। ये मेलानोमा जो है वो लाइट स्किन कलर में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर भी आपको कुछ सावधानी परखनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि क्या वो चेंजेस है जो अगर आपके तिल में आए तो आपको तुरंत जाके अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। तो वो चेंजेस है, एक तो अगर आपका तिल एकदम अचानक से बढ़ गया, तो मैं 1-2 साल 3-4-5 साल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके तिल कुछ हफ्तों में ही या कुछ महीनों में ही अचानक से बहुत ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ गया तो फिर आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को बताएं।
या आपका तिल का कलर अगर चेंज हो गया, तो पहले अगर गाढ़ा रंग का था वो अगर लाइट ब्राउन हो गया या ज़्यादा गाढ़ा हो गया या थोड़ा नीला लगने लग गया या लाल हो गया, तो तब भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। तो अगर इसमें खुजली हो रही है आपको, या उसमें घाव हो रहा है, या खून निकल रहा है, तो ये सब अगर हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर आपके तिल में कोई भी परिवर्तन नहीं है और जैसा था वैसे का वैसा ही है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके तिल है तो हम इसको कैसे हटा सकते हैं? तिल को हटाने का दो तरीका होता है। एक तो आप इसको जला के निकाल सकते हो, या दूसरा इसको काट के निकाल सकते हो। तो जला के निकालने में आइदर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हो, या CO2 लेज़र से इसको निकाल सकते हो। ये दो अलग अलग डिवाइस होते हैं जो तिल को निकालता है। तो इसको निकालने के बाद आपका छोटा सा एक स्कार रहने का चांसेस है। हाँ, तो अगर आपका तिल एकदम ऊपर ऊपर के ही हिस्से में ही है, तो हम सिर्फ ऊपर से उसको जला के तिल को निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि छोटा सा स्कार रहने का चांस तो हमेशा ही रह सकता है, क्योंकि जो तिल के सेल्स है वो हमारे स्किन के थोड़ी सी अंदर के भाग में होती है। तो जब तक आप वो वाले सेल्स नहीं निकालोगे, तब तक तिल को वापस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपने निकाला, फिर वो तिल वापस आने का चांसेस रहता है, इसीलिए उसको सही से निकालने में थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है, और उस टाइम फिर थोड़ा सा स्कार रहने का चांसेस रह जाता है। तो ये अगर आप इसको जला के निकालते हो तो इसमें गोल सा स्कार बनने का चांस रहता है। दूसरा होता है एक्सिशन, मतलब इसको चीर के निकालना और टाँके लगवाना। तो अगर आपका तिल थोड़ा बड़ा है तो और इसको जलाया नहीं जा सकता, या जलाने से बहुत गोल सा बड़ा सा स्कार अगर रह जाएगा, तो फिर हम इसको चीर के भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको आसपास से एक चीरा मारते हैं और मोल को कम्प्लीटली निकालते हैं, फिर इसको धागा से सिल देते हैं ताकि ये अच्छे से जुड़े और आपका स्कार बहुत एक हल्की सी लकीर की तरह ही रह जाए। तो याद रहे कि एक छोटा सा स्कार तो रहेगा, तिल निकालने के बाद बिल्कुल ही नॉर्मल स्किन होना मुश्किल है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बोल के कि उनको तिल निकालना है, लेकिन जैसे ही वो स्कार के बारे में सुनते हैं तो एकदम डर जाते हैं और अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं, और फिर उनको नहीं निकालना होता। तो ध्यान रहे कि जब भी आप मोल निकालोगे तो थोड़ा सा स्कार रहने का चांसेस तो रहता ही है, एकदम नॉर्मल स्किन नहीं होता। तिल से तो आपका बेटर ही दिखेगा, लेकिन हल्का सा स्कार रहने का चांस रहता है, और वो आपको समझना ज़रूरी है। तो आप ये तिल बनने से कैसे रोक सकते हो? क्योंकि ये जेनेटिकली डिटर्मिंड होता है और स्किन के अंदर की कुछ असंतुलन के कारण ये सेल्स बनते हैं, तो आपके हाथ में नहीं है ये इसको बनने से रोकना। लेकिन फिर भी कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हो और धूप से बचते हो, तो ये सारे तिल बनने से थोड़े से रुक सकते हैं। भले ही 100% आप इसको ना रोक सको, लेकिन धूप से बचना और सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल करने से ये थोड़ा कम हो सकते हैं। क्या क्रीम्स लगा के तिल निकाला जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी क्रीम नहीं होता जो लगाने से आपके तिल हट जाए। क्रीम इतने हद तक जाता ही नहीं है कि वो ये सेल्स को निकाल सके। ठीक है, तो आप बस ऊपर ऊपर से क्रीम लगा के ये तिल हटने वाला नहीं है। कोई भी तिल को क्रीम लगाने से हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। अब मैं बताऊंगी वो घरेलू नुस्खों के बारे में जो लोग तिल के लिए करते हैं। लोग अपने चेहरे में बेकिंग सोडा, लाइम, लेमन यानी नींबू और टूथपेस्ट और ऐसे कुछ भी एसिड उठा के अपने चेहरे में लगा देते हैं तिल को जलाने के लिए। आप प्लीज़ प्लीज़ ये चीज़ ना करें। ओके, मैंने बहुत ख़राब केसेस देखे हैं जिसमें लोग बहुत बड़ा सा एक जलन लेके आ जाते हैं और एक छोटा सा तिल जलाने के ऊपर उनके चेहरे में बड़ा सा एक स्कार रह जाता है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसे कोई भी एसिड लगा के तिल को हटाने की कोशिश ना करें। देखिए, तिल तो हट जाए, लेकिन तिल के आसपास की जो नॉर्मल चमड़ी है उसमें भी एसिड लग जाती है। तो आप सोचिए कि तिल तो एकदम छोटा सा एक दाने की तरह रह गया, लेकिन जो आसपास की स्किन जिसमें जलन लग गई उसकी वजह से आपका इतना बड़ा सा स्कार हो गया, तो ये तो और ज़्यादा ख़राब लग जाता है आपको। तो इसीलिए प्लीज़ ऐसे एसिड्स बिल्कुल अपने तिल पे ना लगाएं। और मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनमें उन्होंने लगाया एसिड, वो आसपास की स्किन भी जल गई और तिल फिर से वापस आ गई, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही जला
और तिल तो एकदम डीप तक था। तो ऐसे प्लीज़ ना करें, जब भी अगर आपको तिल निकालना हो तो हमेशा आपके डॉक्टर के पास जाए, उनके साथ सलाह करें कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या मेथड से आपका निकालना बेस्ट रहेगा, तो वो सब समझ के ही आप करें, ठीक है। तो जो भी आप ऐसे चेहरे में अगर तिल है और नाक के ऊपर तिल है और आप उसको एसिड लगा के उसमें स्कार हो जाता है तो आपको हमेशा पछतावा रहेगा। तो आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें और हमेशा एक प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अपने तिल का इलाज करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। काफ़ी सारे लोगों ने हमें इस टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैंने वो सारे सवालों के जवाब आपको दे पाई। अगर आपके मन में कुछ सवाल है जो आप मुझे पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं हर कमेंट को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं हर रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।